हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। एवं लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों के बारे डिस्कशन किया था। अब उससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको दिया हुआ है कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पहला ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम, दूसरा है न्यूटन कूलाम स्क्वायर, तीसरा है न्यूटन कूलाम और चौथा है पर न्यूटन कूलाम। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग जनरल फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का और भी फॉर्मूला हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अभी तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू F बाय क्यू, जिसका मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से जो फोर्स है उसका SI यूनिट न्यूटन और जो आपको चार्ज है उसका SI यूनिट कूलम, तो आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो आंसर हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। इसके बाद यहाँ पर हम आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्ट फाइनल एग्जाम में आ भी चुका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, जहाँ पे जो E है रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, dV इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोटेंशियल एंड dr इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन पोजिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट हम लोग यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं, फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, आप इसका मॉडुलस ले लीजिए, मॉड E इज इक्वल टू मॉड माइनस dV बाय dr, E इज इक्वल टू dV बाय dr, E इज इक्वल टू dV बाय dr, तो E इज इक्वल टू V बाय r, और आपके लिए इजी कर देते हैं, V यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है वो डिस्टेंस या पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ से यूनिट निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा वोल्ट बाय मीटर, तो वोल्ट पर मीटर।
यहाँ से यूनिट आ जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस दिस गिवन ऑप्शंस न्यूटन पर कूलम्ब सही है और यहाँ से वोल्ट पर मीटर भी सही है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, क्वेश्चन है एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा, पहला सोर्स चार्ज ओनली, दूसरा टेस्ट चार्ज ओनली, तीसरा बोथ सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, और चौथा नन ऑफ दीज। अब इसमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर किस पर डिपेंड करेगा, देखिए इसके लिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मान लीजिए ये कोई पॉइंट है इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसिडरेशन किया जाता है विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके लिए और अच्छा वर्ड होता कि एट ए पार्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्चुअली जो टर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है उसको बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर उस वैल्यू को हम लोग को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अच्छा वर्ड होता। अब यहाँ पर मान लीजिए इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के तो एक कांस्टेंट है ही, के कांस्टेंट है और आर जो है उसको हम लोग फिक्स रख रहे हैं। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है दैट ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब यहाँ पे जो क्यू है ये क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है सोर्स चार्ज को, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन सोर्स चार्ज ओनली।
दो तरह के चार्ज होते हैं, एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज, जिसमें से सोर्स चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तथा टेस्ट चार्ज वो होता है जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है। तो यहाँ पर एक नॉलेज का चीज़ हो गया, आंसर तो भले इसका हो जाएगा सोर्स चार्ज, बट सोर्स और टेस्ट चार्ज के बीच का डिफरेंस समझिए। अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, एंड अ चार्ज विच एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। अब इसके बाद फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी चार्ज और स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन क्यू स्क्वायर ई, सेकेंड ऑप्शन ई बाई क्यू, थर्ड ऑप्शन क्यू ई एंड फोर्थ ऑप्शन ई बाई क्यू स्क्वायर। हम लोगों को बताना है इन चारों में से जो किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लिखेंगे एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। अभी अभी तुरंत देखिए, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। देखिए ये जो क्यू है ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज को शो करता है, और इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने आपको अभी बताया भी कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। यहाँ पे जो क्यू है वो टेस्ट चार्ज को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है ई, एंड एफ इज़ द फोर्स। एंड आपको इस क्वेश्चन में यहाँ से कैलकुलेट करना है, जैसे E बराबर F बाई क्यू है तो यहाँ से आप F इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू E, F इज इक्वल टू Q इंटू E, देन इसका आंसर हो जाएगा क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू E। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज, पहला ऑप्शन असिमेट्रिक एसिमेट्रिक, दूसरा ऑप्शन सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन स्फेरिकली सिमेट्रिक एंड चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। इसका मीनिंग समझिए कि किसी सिंगल चार्ज के लिए जो उसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर हम लोग को मेंशन करना है, मतलब उसका जो फिगर होता है, इसके लिए चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ए सिमेट्रिक,
इट मीन्स टू से दैट असमान ढंग से. दूसरा है सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक, मीन्स टू से दैट सिलेंडर के फॉर्म में. तीसरा है स्फेरिकली सिमेट्रिक, एक स्फेयर के फॉर्म में. एंड चौथा है हमारा नन ऑफ दीज. इसका सही आंसर स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा. इससे पहले भी इन सब प्रश्न के लिए आप गौर कीजिए कि जो हम फिगर बनाए थे कि जैसे ये कोई चार्ज है, इसके चारों ओर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक स्फेरिकल फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा स्फेरिकली सिमेट्रिक. अब इसके बाद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई. टॉर्क एक्टिंग इन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज. पहला पी डॉट ई, दूसरा पी क्रॉस ई, तीसरा ई क्रॉस पी, और चौथा जीरो. इसमें हम लोग को पूछा जा रहा है कि टॉर्क एक्टिंग इन अ डाइपोल ऑफ मोमेंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज. ये रहा, ये सब मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई डाइपोल रखा हुआ है, तो ये डाइपोल टॉर्क लगने के कारण अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और एंगल बनाएगा थीटा. तो यहाँ से टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आता है टॉ इज इक्वल टू आता है पी ई साइन थीटा. वेक्टर में हम लोग देखे हैं जो ए बी साइन थीटा होता है उसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो जो पी साइन थीटा है इसको लिखेंगे टॉ बराबर पी क्रॉस ई. टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. अब यहाँ से हम लोग इस प्रश्न में जो प्रॉपर ऑप्शंस हैं इसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी. वैसे आपको बता दें, कन्फ्यूजन के लिए आपको कभी दिक्कत ना हो, कम्यूटेटिव लॉ से पी क्रॉस ई और ई क्रॉस पी दोनों अलग चीज़ हैं, लेकिन जैसे पी डॉट ई है, और बाय द वे अभी तो जैसे पी डॉट ई आंसर नहीं है, लेकिन कभी ऐसा जैसे क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ये सब में जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए हो सकता है, बट ए क्रॉस बी विल नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए. तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पी क्रॉस ई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर एट अ डिस्टेंस आर वेरीज एज। पहला आर आर स्क्वायर आर टू द पावर माइनस वन एंड लास्ट ऑप्शन आर टू द पावर माइनस टू। सवाल है किसी सोर्स चार्ज क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है डिस्टेंस आर के चलते, वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ सोर्स चार्ज, उसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के और क्यू, के इज इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट और क्यू इज आल्सो इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यदि के और क्यू ये दोनों कांस्टेंट है तो यहाँ से लिख सकते हैं E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो E वेरीज आर टू द पावर माइनस टू। तो ये आंसर हो जाएगा E वेरी कर रहा है आर टू द पावर माइनस टू। अब इसके बाद आगे यही क्वेश्चन पोटेंशियल के लिए आएगा तो आर टू द पावर माइनस वन आंसर होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, पहला एम एल टी टू द पावर माइनस थ्री ए टू द पावर माइनस वन, दूसरा एम एल टू टी ए टू द पावर माइनस वन, तीसरा एम एल टी टू ए माइनस वन, चौथा एम एल टी ए टू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन इनमें से कौन सा होगा। अब प्रॉपर डायमेंशन को फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ से जो फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज ई इज इक्वल टू
एफ बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू एफ बाय क्यू। तो इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू और चार्ज का 80, फोर्स का एम एल टी माइनस टू चार्ज का 80। E बराबर एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। अब सवाल है यहाँ पे कि टी माइनस थ्री क्यों आ रहा है या कैसे आ रहा है। तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू जानते हैं और ये ऊपर चला गया एक टाइम टी, तो माइनस टू ऑलरेडी था और ये जो ऊपर गया ये आपको मिलकर हो गया माइनस थ्री और ए टू द पावर माइनस वन। मे बी पॉसिबल किसी किसी बुक में सेम यही चीज़ आपको जहाँ ए टू द पावर माइनस वन या ए माइनस वन लिखा हुआ है, यही चीज़ आपको आई माइनस वन में भी दिया हुआ हो सकता है। तो आई माइनस वन वो भी सही है, ए माइनस वन ये भी सही है। अब स्टूडेंट्स आगे के क्लास में इसी प्रोसेस से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी डायमेंशन से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को दिया हुआ रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन क्या होता है, और इसके बाद फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिस पर हम लोग और बात करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय।